हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं एक मैगी करी। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको करी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि करी में जो जो सब्जियाँ यूज़ होती है, करी में जो जो मसाला यूज़ होती है, हम यहाँ पर सब यूज़ करेंगे। और ये थोड़ा हेल्दी वर्जन होगा मैगी का, क्योंकि इसमें सारा सब्जी हम यूज़ कर रहे हैं और मैगी बेसिकली मैदा से बनता है, तो वो काफ़ी हेल्दी नहीं होता है। पर इसमें आपको एक हेल्दी वर्जन मिलेगी। तो फिर चलिए बिना देरी के बनाते हैं, तो वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखें। तो मैंने यहाँ पर एक पैन को मीडियम फ्लेम पर रखा है और इसमें मैं अभी डाल रही हूँ दो अंडा तोड़कर। और मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितना रिफाइंड ऑयल लिया है। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हो जो आप प्रेफर करते हो। तो अभी अंडे तोड़ के डालने के बाद हम अभी इसका भुर्जी बना लेते हैं। और भुर्जी बनाने के लिए हमें इसको कंसिस्टेंटली चलाना पड़ता है, वरना ये ऑमलेट बन जाता है और ये सबको पता होगा। तो बस अभी इसका भुर्जी बना लेते हैं, और बनाने के बाद आप इसको प्लेट पे निकाल सकते हो, या फिर मैं बस भुर्जी बनाने के बाद इसको एक साइड में रख दूँगी और फिर दूसरी साइड इसकी जो आगे वाली स्टेप है वो मैं करूँगी। तो आप चाहो तो इस तरह से, अगर आपकी पैन थोड़ी बड़ी है तो आप एक साइड रख के दूसरी साइड कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो इसको प्लेट पर भी निकाल सकते हो। तो मैंने अभी इसको अच्छे से सारा साफ़ करके एक साइड रख दिया। अभी जो दूसरी साइड है ना, इस पर मैं प्याज डाल रही हूँ, और प्याज भुनने के लिए तेल डालना भी ज़रूरी है। तो प्याज डालने के बाद मैं अभी इसमें तेल ऐड कर दूँगी। तो वही रिफाइंड ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी वेजिटेबल ऑयल प्रेफर करते हो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितना रिफाइंड ऑयल डाला है। तो अभी ये प्याज को थोड़ी देर भून लेते हैं, जैसे कि ये प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसकी कलर बिल्कुल लाइट पिंक कलर की हो जाए। तो तब तक के लिए इसको बस मीडियम फ्लेम पर हल्का सा भून लेते हैं। और देखिए अभी इसकी जो कलर है ना, इस तरह से, मतलब ये पिंक हो गया है और ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। तो अभी हम इसमें सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ इसमें पहले टमाटर, और टमाटर ऐड करने के बाद सबको मिला के अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। मतलब साइड में जो अंडा का भुर्जी बना के रखे हैं उसको भी मिक्स करके सबको एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर सबको थोड़ी देर भून लेंगे। और फिर आगे वाली स्टेप में हम और सब्जियाँ जो ऐड करेंगे वो भी डालेंगे। तो इसको हल्का सा भूनने के बाद मैं अभी इसमें ऐड कर दूँगी, अब बीन्स काट के मैं रखी हूँ वो मैं ऐड कर दूँगी इसमें। अगर आप और कोई भी सब्ज़ी यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि गाजर हो गया, या फिर बीट हो गया, या फिर अगर आप चाहते हो और कुछ जैसे कि कॉलीफ्लावर हो गया, आप ऐड कर सकते हो। और मैं यहाँ पर आलू का भी यूज़ की हूँ। देखिए आलू मैंने बस छोटा छोटा क्यूब्स में ही कट कर लिया है। तो आपको जो भी सब्ज़ियाँ पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हो। बस ये सारे सब्जियां मैंने डाल दिया, और फिर इन सब सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ी देर हल्का सा भून लेंगे। और फिर इसमें हमें मसाला भी ऐड करनी है। तो फिर वो क्या क्या मसाला यूज़ करते हैं वो मैं बताती हूँ, पहले इसको अच्छे से थोड़ी देर भून लेते हैं। तो हम करी में क्या यूज़ करते हैं, लाल मिर्च का पाउडर। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून जितना लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कम तीखा पसंद है तो आप कम यूज़ कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जितना टर्मरिक पाउडर। अब इन मसालों को सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और करी बनाने के लिए हमें बेसिकली यही तो चाहिए होती है, लाल मिर्च का पाउडर, टर्मरिक पाउडर, नमक एंड प्याज। और हमने सबका यूज़ कर लिया, बस नमक नहीं डाला है। आप चाहो तो अभी नमक डाल सकते हो, या फिर जब मैं बाद में ऐड करूँ तब आप ऐड कर सकते हो। तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ मैगी मसाला। ऑफकोर्स ये मैगी के पैकेट में फ्री में आता है। अभी इसको अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स कर लेते हैं, और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक सब्जियों को बहुत कम समय में कुक होने में हेल्प करता है। तो अभी मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देती हूँ। नमक ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और फिर ढक्कन लगा के थोड़ी देर छोड़ देते हैं, जैसे कि हमारी जो सब्जी है वो अच्छे से कुक हो जाए। करीब 80 से 85% तक कुक होनी चाहिए, और इसको भी ढक्कन लगा के छोड़ देते हैं। तो अभी 5 से 7 मिनट के बाद ये अच्छे से थोड़ा सा कुक हो गया है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं मैगी और पानी, क्योंकि मैगी बॉईल होने के लिए पानी की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं इसमें मैगी ऐड कर देती हूँ, और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, और फिर उसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर छोड़ देंगे, जैसे कि ये जो मैगी है वो अच्छे से बॉईल हो जाए। और गैस की फ्लेम मीडियम पर ही रखिएगा। अगर आप चाहो तो और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो। मुझे लगा कि और थोड़ा सा पानी ऐड करना चाहिए, क्योंकि मैगी सोख कर लेता है पानी। तो बस अभी ढक्कन लगा के थोड़ी देर छोड़ देंगे, अभी मैगी भी खुलने लगी है। अभी लग रही है ना, बिल्कुल मैगी करी जैसा।
और हाँ, जब तक हमारी मैगी बहुत अच्छे से बॉईल होके पूरा परफेक्टली नरम हो जाता है, तब तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो ईजी लगे एंड आपको लगे कि ये टेस्टी लगने वाला है आपको, तो ज़रूर से मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर आप चाहो किसी के साथ शेयर करना तो आप शेयर कर सकते हैं। और अगर बच्चे घर पे मैगी खाने को पसंद करते हैं पर सब्ज़ी खाने को पसंद नहीं करते, तो आप ऐसे मैगी बना के उनमें जो भी सब्ज़ियाँ आप उनको खिलाना चाहते हो डाल लीजिए और फिर उनको खिला दीजिए। बस बैंगन मत डालिएगा या फिर कद्दू मत डालिएगा, उससे टेस्ट बिगड़ जाता है। तो अभी हमारी मैगी बिल्कुल बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है और सारा सब्ज़ियाँ भी बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। तो अभी हम गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देते हैं, और ये काफ़ी गर्म है तो इसलिए बहुत धुआं उठ रहा है और आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देने से आपको बहुत क्लियर से दिखेगा अभी। तो मैं गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देती हूँ और देखिए अभी बहुत अच्छे से दिख रहा है। और इसमें मैंने थोड़ा सा हल्का सा ग्रेवी रखा है, अगर आप चाहो तो आप सूखा सूखा भी बना सकते हो। हमारी मैगी करी तो रेडी हो गया, तो अभी इसको सर्व करते हैं। बहुत अच्छी लग रही है ना, और काफ़ी हेल्दी भी है और इसके टेस्ट भी बहुत अच्छी है। आप इसको ज़रूर से एक बार ट्राई करिए और फिर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा इसके टेस्ट और आपको ये रेसिपी पसंद आया कि नहीं। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @food_n_style_experiments, मतलब मेरी जो चैनल के नेम है बस उसी नाम से ही मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं बहुत सारे अपडेट्स देती रहती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड दैट्स इट, एंजॉय। और आपके लिए सर्व कर रही हूँ, जरूर से टेस्ट करके बताना। Stay safe, stay healthy, eat healthy. Thank you.